हेलो एवरीवन, जो भी अभी मेरे साथ इस वेबिनार पे जुड़े हुए हैं, सो कैन यू गाइस जस्ट राइट योर नेम एंड योर स्कूल नेम सो दैट आई कैन नो कि हमारे साथ अभी कितने पार्टिसिपेंट्स जुड़े हुए हैं। लॉट ऑफ वेबिनार्स ऑन एआई जहां पे हमने थ्योरेटिकली काफी सारी चीजें कवर करी है, बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट दिस वेबिनार स्पेसिफिकली बिकॉज यहाँ पर हम कुछ प्रैक्टिकली भी करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग एंड डाइविंग डीप इनटू दिस जर्नी ऑफ ए आई, आई जस्ट वॉन्ट यू गाइज, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ कि आप लोगों का पर्सपेक्टिव क्या है। व्हाट इज योर, सो ए आई मीन्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑलराइट, ओके, रोबोटिक्स इज एन इंटेलिजेंस व्हिच वर्क्स ऑटोमेटिकली, इट्स कॉल्ड ए आई, ऑलराइट। सो फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम सारे ह्यूमंस जो है वो एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है। सो इंटेलिजेंस को मैं इस तरीके से डिफाइन करूंगा, एक ऐसा कॉम्पोनेंट जो हमारे पास है जिसकी वजह से हम डिसीजंस ले सकते हैं, अपनी लाइफ के अंदर चॉइसेस ले सकते हैं। फॉर अ सिंपल मशीन, बेसिकली अ रोबोट, जहाँ पे मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दिए कि आगे चलो, एक बहुत सिंपल इंस्ट्रक्शन दिया मैंने इसको कोड करके कि रोबोट जैसे ही मैं आपको ऑन करूँ आगे चलो। सो व्हाट डू यू थिंक गाइस, इसमें क्या होगा? जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगा तो आई एम प्रीटी श्योर ये आगे जाएगा, बट व्हाट विल हैपन अगर सामने एक दीवार आ गई? So I hope आप लोगों ने इस वीडियो को देखा होगा। So, जैसे मैंने इसको स्टार्ट करा एंड मैंने इसको इंस्ट्रक्शन दी थी कि आगे जाओ, एंड जैसे ही सामने दीवार आ गई ये उससे जाके टकरा गया। So what will you guys say? क्या ये एक इंटेलिजेंट बॉट है या नहीं है? क्या ये एक इंटेलिजेंट क्रिएचर है या नहीं है? What do you guys think? So let's assume कि हाँ, ये देखते ही एकदम दिमाग में वर्ड आया, मतलब हमने बोला ना स्क्रू ड्राइवर, हमने चार्ट में लेकर स्क्रू ड्राइवर। तो ये इस प्रोसेस को मैं थोड़ा ब्रेक डाउन करता हूँ। आई होप काफी बेसिक प्रोसेस है, मतलब डेली लाइफ में चलता है, सो हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। बट अगेन, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने आंखों के आगे रखा, सो इस तरीके की इमेज, ये जो एक ग्रीन कलर का हेड, नीचे कुछ पॉइंटेड सा है, इस तरीके की इमेज जो है वो ऑलरेडी मेरे ब्रेन में स्टोर्ड है अलग अलग एंगल से। तो अगर मैं आपको इस एंगल से भी दिखाऊंगा तब भी आप स्क्रू ड्राइवर बोलोगे, अगर मैं आपको इस एंगल से दिखाऊंगा तब भी आप स्क्रू ड्राइवर बोलोगे, मैं यहां से दिखाऊंगा तब भी आप स्क्रू ड्राइवर बोलोगे, एंड मैं भी स्क्रू ड्राइवर ही बोलूंगा। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज इस ऑब्जेक्ट की अलग अलग इमेजेस जो है वो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है, और उसके साथ एक वर्ड एसोसिएटेड है जिसको मैं टैग कहता हूँ। इसकी अलग अलग इमेजेस जो है वो मेरे दिमाग में स्टोर्ड है अलॉन्ग विद अ टैग, और वो टैग क्या है? स्क्रू ड्राइवर। आई वांट कि आप लोग इस बार इस चीज को आप लोग मेरे साथ जितना हो सके उतना फॉलो करें। सो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, आई एम जस्ट गोना क्लिक ऑन दिस गेट स्टार्टेड थिंग। सो यहाँ पे जैसे मैं देख पा रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे 3 विंडोज हैं, इमेज प्रोजेक्ट, ऑडियो प्रोजेक्ट एंड पोस्ट प्रोजेक्ट। इमेज प्रोजेक्ट में जाने के बाद आई एम गोइंग टू स्टैंडर्ड इमेज मॉडल। सो अब ये इस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ गया है। नाउ यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास 1। सो मैं क्लास 1 में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि स्क्रू ड्राइवर। आई जस्ट वॉन्ट कि मेरी मशीन को पता चले या फिर मेरे सिस्टम को पता चले कि एक स्क्रू ड्राइवर कैसे दिखता है। मैंने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर का टैग जो है वो लगा दिया। नाउ व्हाट आई नीड टू डू, मुझे अपनी मशीन को ये बताना है कि स्क्रू ड्राइवर किस चीज को बुलाते हैं, तो वो मैं उसको कैसे दिखाऊंगा। आई विल बी यूजिंग माई वेब कैम। तो आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन शेयर के थ्रू कि मेरे वेबकैम के थ्रू मैं उसको बताने वाला हूँ कि स्क्रू ड्राइवर कैसा होता है। सो अराउंड मैं कुछ फोटोज लूंगा। यहाँ पे होल्ड टू रिकॉर्ड पे मैंने जैसे क्लिक करा, सो यू कैन सी यहाँ पे मैंने क्लिक करा और एक इमेज सैंपल आ गया। तो अब मेरी मशीन को ये पता चलेगा कि दिस इज अ स्क्रू ड्राइवर। नाउ होल्ड टू रिकॉर्ड, लुक। अब अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो ये बहुत जल्दी जल्दी लेगा। सो मे बी अराउंड 50 सैंपल्स जो है, दैट विल बी अ गुड थिंग। चीज हम और ले सकते हैं यहाँ पे, एंड उसके लिए मुझे यहाँ पे ऐड अ क्लास करना पड़ेगा। मे बी आई कैन टेक समथिंग इंटरेस्टिंग एज व्हील। लेट्स ट्राई अ व्हील। सो दिस इज अ रोबोट व्हील, एंड अब मैं इसको मशीन को बताने वाला हूँ कि एक रोबोट व्हील कैसे दिखता है। सो अलग अलग मैं बिल्कुल इसको अलग अलग पोज में दिखा रहा हूँ ताकि उसको पता चले कि व्हील क्या होता है। का भी ऑप्शन है। So instead of taking images from webcam, you can upload it from your laptop, या फिर आप ऑनलाइन इमेजेस को डाउनलोड करके वैसे भी अपलोड कर सकते हैं। So now what I'm going to do, मैंने 3 इमेजेस के सैंपल्स, 3 कैटेगरीज दे दी हैं। It's enough for the demonstration. So मैं अब क्या कर रहा हूँ, ट्रेन मॉडल। अब जो मेरा मॉडल है मैं उसको ट्रेन कर रहा हूँ, हो चुका है। सो आप यहाँ पे राइट साइड में देख सकते हैं कि मेरी मशीन जो है वो प्रेडिक्शंस कर रही है कि स्क्रू कितने परसेंट है, स्टोन कितना परसेंट है या व्हील कितना परसेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद व्हील। सो you guys can see कि जैसे ही मैंने अपने लैपटॉप के कैमरा के आगे व्हील को रखा, उसने कहा दिस इज 100% व्हील, और इसके अलग अलग पोस्चर से भी मैं बता सकता हूँ ये थे। नाउ आई एम रियली इंटरेस्टेड टू सी कि ये वॉइस सैम्पल्स किस तरीके से काम करते हैं। सो गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं जल्दी से, एंड ऑडियो प्रोजेक्ट। सो बेसिकली आप इसको ऑडियो सैम्पल भी दे सकते हैं, एंड ऑडियो सैम्पल के अराउंड आप एक लेबल दे सकते हैं, एंड उसके बाद आप इससे पूछ सकते हैं कि बताओ मशीन ये क्या है, या फिर आप उसको कैसे यूज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ठीक है, सो मैंने 20 सेकेंड्स का बैकग्राउंड सैंपल दिया इसको, एंड अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ। बेसिकली आपके मॉडल को एक सेकंड के 20 सैंपल्स चाहिए, तो मैंने एक्सट्रैक्ट करा तो 20 सैंपल्स आ गए। द ट्रेनिंग प्रोसेस इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। सो लुक, जैसे इमेज के केस में आ रहा था, ये देखो ये अभी आपकी बैकग्राउंड नॉइस को 100% कह रहा है। सो स्नैप क्या था, एंड यू गाइस सी कि स्नैप को 100% दिखा रहा है। जैसे मैं यहाँ पे स्नैपिंग कर रहा हूँ अपने फिंगर से। अब अगर मैं क्लैपिंग करता हूँ तो यू गाइस कैन सी कि ये उसको क्लैप के थ्रू मैप कर रहा है, मैचिंग कर रहा है। सो ये जो था, आप इसको ऑडियो के थ्रू भी, मतलब ऑडियोज के थ्रू भी मशीन को डेटा फीड कर सकते हो, लर्न करा सकते हो कि ये किस तरीके का साउंड है। तो जैसा कि हम यहाँ पे साइड में देख पा रहे हैं, ये हमें आउटपुट शो कर रहा है। सो लेट्स ट्राई, दिस इज अ डिफेंसिव पोजीशन, राइट, बॉक्सिंग पोजीशन, बॉक्स बॉक्स एंड नमस्ते। सो वैसे आप स्टोरी भी क्रिएट कर सकते हैं कि नमस्ते कर रहे हैं हम, एंड नमस्ते से अगर कोई नहीं मान रहा तो बॉक्सिंग कर रहे हैं हम उसके साथ। अगर सामने वाला ओपोनेंट बहुत ज्यादा आपके ऊपर हैवी पड़ रहा है तो आप डिफेंसिव भी कर सकते हैं। छोटी सी स्टोरी इस तरीके से। सो दिस इज एक्चुअली जहाँ पे आप इसको रिलेट कर सकते हैं कि हम ह्यूमंस कैसे सीखते हैं। बट माय सेशन नाउ आई विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, जस्ट फील फ्री टू राइट देम इन द चैट बॉक्स। हाँ, एग्जैक्टली, गूगल यूजेस दिस टू अर्न मनी एज वेल। सो अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं एंड प्लीज उसको चैट बॉक्स में लिख दीजिए, आई विल बी हैप्पी टू आंसर देम। Okay, so if there are no more questions, I would like to end this webinar. Thank you guys for joining this webinar. It was really an awesome experience. So I hope कि आप लोगों को थोड़ी सी clarity मिली कि AI कैसे है, and what's more important कि आप लोगों ने personal level पे और थोड़ा experiential level पे उसको देखा कि machine learning किस तरीके से काम करती है। So if there are any more questions, you can just leave them in the. Let's Amishka. All right, guys. Take care. Bye bye. Have a great day.